हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा, कैसे हैं आप सब? तो आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो अभी मॉर्निंग का हो रहा है 11 o'clock। सो अभी आज झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, उसके बाद हम लोग सीधा मंदिर गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो ब्रेकफास्ट भी आज हमने बाहर किया है। तो फिर आगे आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और आज मैं आप आगे घर का काम करने, तो मैंने कल कपड़ा वॉश नहीं किया था, तो जा रही हूँ मैं मशीन में कपड़ा वॉश करने। तो मिलते हैं फिर आगे आप। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा हो चुका है वॉश, और मैं यहाँ पे आ गई थी रूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह सब कुछ क्लीन कर लूँगी, और बच्चों के साथ तो थोड़ा सा अकेले में मुश्किल हो ही जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके हटा दे, तो उसके बाद मैं अपना रूम को क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने रूम अपना क्लीन कर लिया था, और यहाँ पे मैं आ गई थी, आज बनाने वाली थी मैं पालक पनीर। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि पालक पनीर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल कर दिया है, उसके बाद हम इसमें तकरीबन ये आधा किलो पालक था, तो मैंने उसके काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए पानी में छोड़ दूंगी बिना ढके। तो यहाँ पे पालक को हम बनाएंगे पालक पनीर। तो यहाँ पे पालक को मैंने बिल्कुल गर्म पानी में सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें रखना है इसे, और हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हमें इसे ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद इसे आगे की प्रोसेस में बताती हूँ। सिर्फ 2 मिनट ही रखना है, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि कलर फिर पालक का बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, जिससे पालक पनीर बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मेरा खीर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ साथ साथ मेरा खीर भी होगा। और यहाँ पानी लगभग मैंने डाल दिया है इसे 2 मिनट के लिए छोड़ के, उसके बाद मैं इसे ड्रेन कर। तो 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। तो मैं इसमें ड्रेन करूँगी, उसके बाद इसे निकाल के हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि ये ज़्यादा ना पक जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी प्याज, आदि, मिर्च, लहसुन, और लहसुन का मैं पेस्ट डालूँगी यहाँ पे, और हरी मिर्च। तो यहाँ पे हम चॉप कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हमें कैसे बनाना है। जब तक पालक मैंने ड्रेन करके उसे रख दिया है ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज वगैरह भी चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल भी एकदम फाइन चॉप करें आप। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें हम डालेंगे ऑयल, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जीरा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसे जीरा हल्का सा लाल हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आदि, हरी मिर्च, प्याज,
प्याज को यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक तो अच्छे से पहले, और अगर आपके आप लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। आप कली भी डाल सकते हो चॉप करके, 15 से 16 कली आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट दिया है। तो हमारा यहाँ पे प्याज हो चुका है फ्राई, और इसे थोड़ा सा और ब्राउन होने तक हम इसे छोड़ेंगे। तब तक बगल में मेरा खीर भी रेडी हो रहा है, तो उसे भी मैं चला रही हूँ ताकि वो नीचे से लगे नहीं। और यहाँ पे प्याज हो चुका है ब्राउन, तो आप देख सकते हैं इसे। तो हमने जिस पालक को रखा था यहाँ पे ठंडा होने के लिए, तो पालक हो चुका है हमारा ठंडा और मसाला हो चुका है हमारा ठंडा। तो अब हम दोनों को पीस लेंगे मिक्सी में, तो मैं 2 बार में करके पीसूंगी। और पहले हमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम पहले देख लेंगे कि हमारा मसाला ठीक हो रहा है या इसमें पानी देने की ज़रूरत है या नहीं, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो हमारी ग्रेवी हो चुकी है यहाँ रेडी, तो आगे की प्रोसेस हम करते हैं। आप सेम पैन में बना सकते हो, सेम कढ़ाई में, या फिर आप किसी दूसरे चीज़ में भी बना सकते हैं, तो मैं सेम पैन यूज़ करूँगी। तो हमने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है, उसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें अपना पालक वाला प्यूरी ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है 2 मिनट, और इसके बाद हम मैं इसमें ऐड कर दूंगी पालक की प्यूरी। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से चला के, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत थिक पेस्ट थी और ये और भून जा अगर भूनती तो और भी थिक हो जाती, तो इसमें हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है। तो यहाँ पे इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारी पालक जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए मसाला के साथ। तो यहाँ पे उसके बाद तो यहाँ पे मैं पालक हमारी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं लूंगी ऐड करूंगी टमाटर। आप टमाटर इसके साथ भी पीस सकते हैं, जिसमें ये मलाई पनीर है, और यहाँ पे कॉर्न ऐड करूंगी। तो टमाटर मैं, आप चाहो तो इसमें पालक के साथ ही इसे पीस सकते थे, बट मैंने इसमें नहीं पीसा, मैंने अभी डाला है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा कॉर्न, और इसमें ऐड करूंगी पनीर। तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मलाई पनीर ही लिया है। तो आप चाहो तो इसमें मलाई, या फिर आपके पास अगर क्रीम है तो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, तो अब मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूंगी, सॉल्ट,
नमक मैंने पहले भी ऐड किया है प्याज को फ्राई करते वक्त, बट आप अपने अंदाज से ही नमक इसमें ऐड करें, हल्का ही देना है हमें। अब हम इसे अच्छे से चला देंगे, और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका बैटर अगर ठीक है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आप पालक वाली पानी ऐड ना करें, क्योंकि फिर उसकी जो पालक की जो महक है वो इसमें आ जाएगी, तो आप इसमें नॉर्मल वाटर ऐड कर सकते हो। तो हम इसे पहले 5 मिनट्स के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि इसमें पानी ऐड करना चाहिए तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारी पालक पनीर यहाँ हो चुकी है रेडी, तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इसका ग्रेवी तैयार हो चुका है। और इसे हम अच्छे तरीके से एक बार चला देते हैं, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ढक के छोड़ दूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे बनानी है सिर्फ रोटी, तो खीर भी मेरी हो चुकी है रेडी, तो अब सिर्फ मुझे बनानी है रोटी, तो रोटी मैं बना लूँगी। फिलहाल शाम हो चुकी है तो पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया था, जब तक मेरी चाय रेडी होगी तब तक यहाँ पे मैं शाम दिखा लूँगी, एक दिया जला लूँगी जब तक, तो तब तक यहाँ मैं दिया दिखा लेती हूँ, तब तक मेरी चाय भी खोल जाएगी, पी लूँगी मैं उसे, उसके बाद फिर मैं चलूँगी रोटी बनाने। तो आइए चलते हैं फिर। यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है रेडी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप ज़रूर एक लाइक करें, और इस मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रोटी बनाने, तो मैं रोटी यहाँ पे बना लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग रात का डिनर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में नेक्स्ट, सो बाय बाय।